No! जी हाँ। खड़ा है। नमस्ते बहनों और भाइयों, आज हम आए हैं सोब्रोज के एक नए. मेरा नाम है अंकुश बहुगुना और मैं हूँ एरियल और ये है जबलपुर की फनकारा शर्मिला. और आज हम सुनाने जा रहे हैं शर्मिला को कुछ शर्मिला बहन जी को कुछ अच्छी अच्छी बेड टाइम स्टोरीज. ये कहाँ से लेकर आए हो तुम लोग दोनों ये किताबें? ये तो अंकुश के बिस्तर के नीचे से आए हैं. क्या आपने कभी बचपन में अपने मम्मी पापा से छुपकर ऐसी पुस्तकें खरीदी हैं, मेरा पैसा तेरी जवानी या कातिल हसीना? मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है इस वक्त. ये तो जरूर पढ़ी होगी आपने. सुहागरात कैसे मनाएं? लिखी है डॉक्टर अशोक गुप्ता जी ने. अशोक गुप्ता जी की शक्ल देख के लगता है उनकी सुहागरात बहुत ही सफल हुई थी. एक का नाम है महकता आंचल. How Anchal has gone from good girl to naughty mistress. काम, समस्याएं और समाधान. एंड बाय काम इट डजंट मीन वर्क, इट मींस आई मीन वर्क. दिस इज कन्नड़ा. तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा. मैं अभी जवान हूँ. दैट्स ट्रू. मैं अभी जवान हो रही हूँ. दैट्स आल्सो ट्रू. स्तन मेरे जो पहले कुछ छोटे छोटे थी अब संतरे के समान भी बड़े बड़े हो गए. गुप्तंग में भी बाल उग आए थे. No! My turn. This is what is bedtime stories? नींद उड़ा दी. क्या हम पहले बात करें होंठों के चुंबन की या फिर स्तनों का स्पर्श की? तू ऐसे बात कर रहा है. उस समय पत्नी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहें तुम बहुत सुंदर हो. That's मैं कितना सुंदर. This was. फिर गहरा चुंबन करते हुए अपने हाथों का स्पर्श उसके स्तनों पर कराए. मेरे स्तन मेरे मुंह पर नहीं है. लड़की के होंठ थोड़े काले हैं, मे बी शायद वो बहुत ही धूम्रपान करती है. Ew. धूम्रपान का मतलब क्या है? चुंबन करने योग्य प्रमुख अंग नाभि, स्तन, सीना, गला, कंधे, ठोड़ी, होठ, गाल, आंखें और मस्तक आदि होते हैं. मुझे पानी की जरूरत है. उसको पानी की क्या जरूरत है? कुछ स्त्री पुरुष एक दूसरे के गुप्त अंगों को भी चूमकर भी विशेष आनंद का अनुभव करते हैं. यदि गुप्तांगों की सफाई ठीक से की जाए तो स्त्री और पुरुष द्वारा इनके चुंबनों का आदान प्रदान करने में कोई बुराई नहीं है. ये एपिसोड कहाँ जा रहा है यार? I don't want to be here. कवि कहते हैं कि अपने गुप्तांगों को साफ रखिए. Ariel is not that cheap. You have like really cheap line. और अपने मस्तंग लिंग को हाथ में लूंगी के ऊपर से मसला. बहुत मजा आ रहा था. क्या आपको मजा आ रहा है? अब हमने किया था स्तनों का स्पर्श, अब बारी है शिशन के स्पर्श की. क्या आपको पता है शिशन का मतलब क्या? का मतलब क्या है? ये शिशन हमारा. शिशन इज अ डिक. ये शिशन हमारा. जब पुरुष की उंगलियां स्त्री के योनि प्रदेश पर स्पर्श कर रही होती हैं. प्रदेश क्या है? यू नो लाइक उत्तर प्रदेश, योनि प्रदेश. योनि इज वजाइना. याक. Ankush, how do you know all these words? Yeah, because he's been reading. Even Shimir doesn't know. Yeah, and I'm from like Madhya Pradesh. So it doesn't make any sense. Why do you want to say it? Do you know what masturbation is called in Hindi? हाँ मुझे पता है. मैं बोलना नहीं चाहती. मुझे oh no no not that disgusting. No, the real Hindi word. हस्त मैथुन. Who? हस्त मैथुन. हस्त मैथुन करता है. इसके लिए पुरुष को स्त्री का हाथ पकड़कर अपना शिशन उसके हाथ में सौंप देना चाहिए. तो पुरुष is the girl. पुरुष मतलब कि आदमी. पुरुष means man. महिला मतलब स्त्री. कौन है महिला? एंड स्त्री और लेडीज. और फिर उसने उसको सौंफ दे दिया. सौंफ. उस समय स्त्री सहम भी सकती है तथा शिशन के साथ खेलना भी शुरू कर सकती है. अब सब पर्सनल हो चुका है. हम सब तो पर्सनल हो ही गया. शिशन एंड योनि हैव मेट. मिलाप ऑफ शिशन एंड योनि. यार दैट साउंड्स सो रॉन्ग.
but feels so good. Wow, bro. Always one step too far. Arz kiya hai? Irshad. Karna. Usne meri pida ko andeka kakar ke gharshan. Shuru... What's gharshan? Penetration. Oh. Shuru kar diya. Shuru kar diya usne, theek hai? Mera tan man mein kampan hua. Main manzil par pahunch gayi. Main? मंजिल पर पहुंच गई. मंदिर. मंजिल. मंजिल. वो मंदिर पे कैसे पहुंचेगी घर्षण करते करते? यार मुझे क्या लगा, मुझे क्या पता वो डिस्को भाभी है, वो कहीं भी जा सकती है. उसका कमीज उछल गया. नाड़ा निकला था, सलवार गिरी थी. कमीज इज डिफरेंट. तुझे आई कैन नॉट डू दिस. मत पढ़ भाई प्लीज. मेरी आवाज सुन के वो भी स्खलित हो गया. आई थिंक इट मींस awake. I think it means the opposite of awake. He slept. No, I think he reached his manzil too. Bhabhi doesn't stop. Bhabhi can't stop. Bhabhi won't stop. But what is this? He goes to the mandir, manzil. Manzil. वो मंजिल गई नहीं, वो पहुंच गई मंजिल. उसे जाना नहीं पड़ा, मंजिल अपने आप चल कर आई है भाभी के पास. डिस्को भाभी के पास. She runs a disco, right? She doesn't run a disco. She is disco. कुछ पल तक मेरा मदन से लिपटा पड़ा रहा, फिर उठकर बैठ गया. सहवास के आसन हैं पुरुष द्वारा ऊपर रहने वाले आसन, फिर हैं स्त्री द्वारा ऊपर रहने वाले आसन. और अंकुश, तूने कितने आसन करा है? मैंने बस शवासन करा है. स्वयं बनाए गए विविध आसन, जिसमें अगर आप देखें तो ये तो थोड़ा भंगड़ा जैसा लग रहा है. मुझे तो ये पढ़ते पढ़ते ही आनंद प्राप्त हो रहा है. Of course, we can see it. यदि इस आसन में स्त्री अपने जंघाओं को सटाने के बजाय टांगों को कैंची की तरह फंसा लें तो योनि अधिक तंग हो जाती है तथा वह सहवास की नई मुद्रा बन जाती है. करिए ऐसे आप भी. No way. उसका सैनिक Palms. Yeah. उसका सैनिक फरफरा कर लोहे की तरह खड़ा हो गया. वो माइकल के गोद में बैठ गए. अब माइकल कितने कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में? गाइस, इट वाज रियली वियर्ड. व्हाट? माइकल इज माय डैड्स नेम. आई डोंट थिंक वी नीड टू डिस्कस फर्दर ऑन दिस. उसने रूबी को एक तखत पर लिटा दिया, उसको दोनों टांगे फैलाकर उसको घुटने से घुटने के सहारे मोड़ दी. दी स्टोरीज आर लाइक जा रही हैं जा रही हैं जा रही हैं. रूबी भाभी मिली मिली मिली, टांगे खोल दी. स्तन मर्दन. आमतौर पर स्त्री के स्तन ब्लाउज एवं ब्रेजरी में कैद होते हैं, जबकि जांघें सहलाते सहलाते साड़ी ऊपर की ओर सरकाई जा सकती है. धीरे धीरे ब्लाउज के बटन एवं ब्रेजरी के हुक खोले जाते हैं. ब्रेजरी ब्रेजरी वो बुझा रहा है. They're obsessed. स्त्री के स्तन बहुत संवेदनशील होते हैं. कैद से मुक्त होते ही जब ये पुरुष के हाथों का सीधा स्पर्श पाते हैं तो स्त्री के शरीर में यौन भावनाओं का तूफान पैदा कर देते हैं. यौन. थोड़ा सा थोड़ा फील के साथ पर जरा, मतलब यू आर नॉट फीलिंग इट. दूसरों आप कैसे लग रहे थे? एरियल. एरियल. नॉट दैट फीलिंग. उसके मुंह से आवाज निकली, दरवाजा बंद करो. द कॉन्सेप्ट इज फ्लॉड. यू गाइस आर नॉट सो ग्रॉस. यू आर सो ग्रॉस. एरियल बस अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. हो गया. ड्रामेटिक रीडिंग ऑफ इरोटिका हिंदी एसेस. मैंने कसकर उसको अपनी बाहों में भर लिया, उसके मुंह से आवाज निकली, वो मुझसे इस तरह लिपट गई जैसे कोई नागिन हो. बेसिकली अंकुश. उसके नाजुक शरीर के का स्पर्श पाकर मेरा लिंग भी तो. तेरा लिंग क्या? थोथोला. थोथोला चले जा रहा था. ऐसे अवतार पर स्त्री अपने कूल्हे उछाल कर पति को शिशन प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देने लगती है. आई थिंक यू आर डन. फिर भी पुरुष को सचेत रहना चाहिए कि वह स्त्री के आमरण मिसप्रिंट है पाकर भी शिशन को झटके से प्रवेश न कराए.
इससे कभी कभी स्त्री को बहुत छटपटाहट हो सकती है। Why do you sound like you're like reaching the manzil? योनि मुख पर हल्का हल्का दबाव डालकर धीरे धीरे ही शिशन को आगे बढ़ाना चाहिए तथा स्त्री की प्रतिक्रिया देखनी चाहिए। Stop, 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 stop. This is it. So who wins? Definitely Ankush ka diction was good, his pronunciation was good. Ariel couldn't even read it. Like dramatic reading, couldn't even read it. I will always support efforts over precision. What? Ariel is the winner for this episode. Why? Ankush is the loser like he is. And these are the sobros. See you next time. Like, subscribe and share. Yeah. One second. And go like the MensXP Facebook page, guys. Or sehvas karte nahi hai. Or maybe not.